अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। बादल फटने की घटना के बाद से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है, 37 लोग लापता हैं। शिमला, कुल्लू और मंडी जिले में 31 जुलाई की रात 7 जगहों पर बादल फटने के बाद बाढ़ आने से लापता 2 और लोगों के शव मिले हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम यहाँ पर कहर बरपा रहा है। बारिश और भूस्खलन की वजह से राज्य की 50 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक 27 जून से अब तक बारिश से जुड़े जो हादसे हुए हैं उसमें 93 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य को करीब 800 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। तो मंडी में जहां पर बादल फटा था वहां पहुंचे हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी की टीम मंडी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है और यहां पे एक राजबन गांव है, यहां पे क्लाउड बस्टिंग हुई और उसके बाद कुछ लोग वहां के मिसिंग है। ये रास्ता राजबन को जाता है जो लगातार पिछले 4-5 दिनों से बंद है। हम देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं और ये रोड की लगातार रिपेयर चल रही है और यहाँ से जो राजबन है वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर बताया जा रहा है और पहाड़ी इलाका होने करके कम से कम भी 2 घंटे का रास्ता है जो यहाँ से पैदल चल रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ से पैदल जा रही है और सारे यातायात जो आवाजाही है, जो व्हीकल है वो यहाँ से नहीं जा रहा है। हम देख सकते हैं ये जो ब्रिज है इसकी रिपेयर चल रही है और PWD की द्वारा की जा रही है। तो भैया यहाँ से आगे नहीं जा सकते, कोई गाड़ी नहीं जा रही 3-4 दिन से, जिस दिन का ये बादल फटा है। बादल फटा नहीं गई गाड़ी, तो बादल राजबन गाँव में फटा हुआ है। ठीक है, तो जो जितनी भी टीमें हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, सब पैदल जा रहे हैं सारे सर। तो हम भी यहाँ से कवर करने आए हैं, पैदल जाएंगे ऊपर? पैदल ही जाएंगे आप भी। तो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ? 2 घंटे मिनिमम है आपके लिए। तो ये कितने टाइम में ठीक होने वाला है ये, क्योंकि लोगों को भी परेशानी आ रही होगी जो तो उस गाँव नहीं जी कितने दिन में होगा, अभी काम चला हुआ है। काम चला, हाँ ये तो देखो इतना प्रॉब्लम आ रहा है, लेबरे कम है। तो जो गांव है ऊपर कितने के गांव है, जो लोग आ जा नहीं सक रहे, कितने के गांव है? वो तो गांव 2-3-4 गांव है, जो लोग तीन गांव है जो यहां से कहीं जा नहीं सकते, इस से कट है रोड से। तो ये बिल्कुल यहां पे लगातार जो काम है वो चल रहा है, लेकिन यहां से ऊपर जो राजबन गांव है यहां पे हम भी जाएंगे और हम देखेंगे कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, व्हाट आर द डिफिकल्टी दे आर फेसिंग। बट टीम्स की गाड़ियाँ मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा दिखा दो, जितनी भी मशीन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं जा रही और कम से कम भी 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पहाड़ी इलाके होने करके ऐसी दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है। और ये इस रास्ते से आगे 5-6 गांव हैं जो बिल्कुल कटे हुए हैं और वो लोग यहां से आ जा नहीं सक रहे, लेकिन देखते हैं। ये चैलेंज है सरकार के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश का फिर भी अलर्ट है और आने वाले दिनों में सरकार के लिए चैलेंज है कैसे वो पुख्ता अरेंजमेंट करते हैं और कैसे ये जो रोड्स हैं जो लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इफ़ेक्ट कर रही है उसको कैसे ये रिपेयर करते हैं और कैसे दोबारा से हिमाचल में दोबारा से आवाजाही का प्रबंध करते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, गांव राजबन, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो आपने देखा हमारे सहयोगी की रिपोर्ट कि किस तरह से वहाँ से अलग अलग भागों से गांव जो है वो कट गए। भूस्खलन के बाद यहाँ पर कई रास्ते बंद हो गए थे जिसे अब साफ किया जा रहा है और इन जगहों पर अब धीरे धीरे यातायात सामान्य हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार हिमाचल में फ्लड आते रहे और उसके कारण हमने देखा कि लगातार कई रोड जो बंद हो गए। इस समय हम नेशनल हाईवे चंडीगढ़ टू मनाली से रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ये लैंडस्लाइड करके हम देख सकते हैं कि एक साइड ऑफ रोड है जो बिल्कुल ब्लॉक हुई है और ये वो रोड है जो पिछले दिनों में हमने देखा जब लगातार बरसात हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, उस समय हमने देखा कि लगातार इस नेशनल हाईवे पर मनाली टू चंडीगढ़ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम लगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साइड जो रोड की है उसको फंक्शनल कर दिया ताकि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है उसका फ्लो चलता रहे। वहीं हम देख सकते हैं इसी जगह पे वर्कर्स लगे हुए हैं क्योंकि आज
बरसात नहीं हो रही, आज बारिश नहीं हो रही और कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसका फ़ायदा उठा के ये जो लैंडस्लाइड का मलबा है उसको यहाँ से हटा रहे हैं ताकि जो नेशनल हाईवे है उस पर ट्रैफिक दोबारा से रिज्यूम हो सके। हम देख सकते हैं दिखते हैं यहाँ पे है क्योंकि एक साइड जो रोड है वही चल रहा है और उसके कारण कहीं ना कहीं ट्रैफिक अफेक्टेड हो रहा है, ना कि ये मनाली नेशनल हाईवे पे बल्कि कई जगहों पे हमने जो पाया है, सरकार ने बताया है कि कई रोड लैंडस्लाइड करके बंद हो गए हैं जिन पे लगातार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करके जो ट्रैफिक फ्लो है उसको कर रही है। और अगर बात करें जो लगातार जो फ्लड यहाँ पे आए हैं उससे ना कि शिमला, रामपुर बल्कि मंडी, कुल्लू, मनाली के लोगों को भी इफ़ेक्ट हुआ है कि हमने देखा कि कई घर भी टूटे, कई लोगों के बादल फटने के बाद कई लोग यहाँ से मिसिंग है जो रामपुर के एरिया में है, 50 के करीब लोग वहाँ से मिसिंग है और वही सिचुएशन यहाँ मंडी में भी है, कुछ लोग मिसिंग भी है। लेकिन जो मेन हिमाचल प्रदेश में देखा है कि लगातार लैंडस्लाइड करके जो ट्रैफिक है वो जाम हो रही थी उसको लेके लगातार अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। और ये जो नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ टू मनाली उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ लैंडस्लाइड करके एक साइड रोड की बिल्कुल अभी भी बंद है और वहीं वेदर डिपार्टमेंट ने अभी भी बारिश का अलर्ट दिया हुआ है ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसी चीज़ का फ़ायदा लेके आज बारिश नहीं है तो लगातार जो रिपेयर वर्क है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन चैलेंज हिमाचल सरकार के आगे ये है कि 700 करोड़ के करीब जो लगातार यहाँ पे नुकसान हो चुका है पिछले कुछ दिनों में और उसकी हिमाचल प्रदेश की सरकार कैसे भरपाई करेगी, ये एक हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, 4 NDTV, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।